नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर दमोह जिले से है। उधारी के पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक को जहरीला पदार्थ खिलाए जाने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हटा मार्ग पर रहने वाले बिट्टू और दीपक पटेल पर जबरन जहर खिलाने का आरोप पुरुषोत्तम पटेल द्वारा लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों से 20,000 रुपए 2 माह पहले पुरुषोत्तम पटेल ने उधार लिए थे और इसी के लिए रविवार शाम मारपीट करने के बाद ये आरोपी खेत से बाइक भी उठा कर ले गए थे। गंभीर हालत में पुरुषोत्तम को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। देहात थाना क्षेत्र के सागर नाका चौकी का ये मामला है। पैसे के लिए गए थे, मारपीट करी उन लोगों ने, रात में पिला दी पकड़ के। कौन कौन ने पिलाई, काय पैसे पिला दी? ऐसे ही कुछ पैसे का लेन देन था, हमने पैसे है नहीं देने थे। कितने पैसा देना थे? कुछ पैसे देने थे। कितने? 20-25 हज़ार रुपये। किससे उधार लिए थे आपने? दीपक से लिए थे। तो आपको जहर किसने पिलाया? बिट्टू ने, उसके साथ था बिट्टू। और कौन ने? बिट्टू। और कौन ने? तो एक ने पकड़ लिया था, एक ने पिलवाया था। बिट्टू ने पिलवाया था। बिट्टू ने पिलाया है जहर। पकड़ा किसने था? दीपक ने। दीपक ने। आज 10-11 बजे करीब मुस्की बाबा क्षेत्र से पुरुषोत्तम पटेल भर्ती हुआ है इलाज के लिए और कुछ पायन सेवन करने जैसी बात बताई जा रही है। देहात थाना क्षेत्र की पुलिस जांच कर रही है। इलाज यहां चल रहा है।